आज मैं आप सभी के साथ एक प्राकृतिक उपचार के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं बिना रुपए खर्च किए हुए। और ये बहुत ही असरदार है, अपनाया हुआ प्राकृतिक उपचार है जिसे मैंने भी अपनाया है और ये बहुत ही जल्दी असर देता है। इस प्राकृतिक उपचार को बोलते हैं पादभ्यंग। दोस्तों, पाद मीन्स पैर, अभ्यंग मीन्स तेल लगाना। दोस्तों, वैसे तो आयुर्वेद में अभ्यंग के बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन पादभ्यंग उनमें से एक है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये हमारे शरीर को निरोग्य बनाता है और दीर्घायु भी बनाता है, यानी हमारे आयु को लंबा करता है। अगर इसका प्रयोग हम रोज ही करें तो हमारे शरीर में किसी भी तरह के दर्द की समस्या नहीं होगी। वात पित्त कफ का शमन करता है। वात पित्त कफ के शमन हो जाने से हमारे शरीर में कभी भी दर्द की परेशानी, साइटिका का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, डिप्रेशन, पेट की कब्ज की समस्या या अपच की समस्या या किसी भी तरह के दिमागी बीमारी या फिर नर्व की बीमारी, रात को नींद नहीं आना, हाथ पैर में सूजन हो जाना, नसों की ब्लॉकेज, कमर का दर्द, घुटने का दर्द या जोड़ों का दर्द, एड़ी का दर्द, टखने का दर्द, ये सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है अगर आप इसका प्रयोग रोज ही करेंगे। दोस्तों, पादभ्यंग हमें किस वक्त करना है, किस तरीके से करना है और कौन से अभ्यंग या तेल का या घी का या किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लंबे समय से डायबिटीज की समस्या हो या कब्ज की समस्या रहती हो, खाना ठीक ढंग से नहीं पचता हो, ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता हो, शरीर में नसें ब्लॉक हो रही हैं, हार्ट की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहती है, कभी कम रहती है या सिर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन की समस्या है या नर्व वीकनेस है, साइटिका का दर्द है, इन तरह की सारी बीमारियों का इलाज पादभ्यंग से किया जा सकता है। गठिये का दर्द है या शरीर में हमेशा चींटियां काटने जैसा दर्द होता है, हाथ पैर में सुन्नपन रहता है, तो सारा कुछ हम पादभ्यंग के मदद से करेंगे। दोस्तों, पादभ्यंग हमारे पैर के तलवे से किया जाता है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो शेयर की है, उसमें हमने बताया था कि अभ्यंग के तरीके नाक से भी हम तेल डालकर कर सकते हैं। जैसे नाक हमारे शरीर का द्वार होता है, वैसे ही हमारे पैर के तलवे से भी सारी नसें शरीर में जुड़ी होती हैं और ये सारी नसों का रूट होता है। यहाँ से अगर हम सही तरीके से मालिश करेंगे, सही तेल के इस्तेमाल से, तो शरीर में नसों से जुड़ी परेशानी कभी नहीं होगी, साइटिका का दर्द कभी नहीं होगा और जोरों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। रात को नींद अच्छी आएगी। बहुत सारे लोगों को रात में नींद ठीक से नहीं आती है, जिससे शरीर में कोर्टिसोल नामक तत्व जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बेचैनी, भूलने की बीमारी सारी कुछ शुरू हो जाती है। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है इसे करने से। अगर बच्चों में भी या बुजुर्गों में भी आंखों की रोशनी जा रही है तो आप इसका प्रयोग करें। बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पे झुर्रियां वक्त से पहले नहीं आएंगी और हमारा शरीर निरोग्य हो जाएगा। इसे करने के लिए हमें कौन से तेल का इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर सबसे पहले सरसों तेल लिया है। सरसों तेल कफ का नाश करता है।
अगर आपके शरीर की प्रकृति कफ है, यानी हमेशा खांसी सर्दी जुकाम लगती रहती है, तो आप सरसों तेल का इस्तेमाल करिए। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त है, यानी बिना किसी वजह बिना किसी बात के गुस्सा आता रहता है, हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, टेंशन होती रहती है, तो नारियल तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में हमेशा दर्द रहता है, जोरों का दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, या किसी भी अंग में दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, वात की समस्या है, तो आप तिल का इस्तेमाल करें। तिल का तेल बहुत आसानी से मिल जाता है, आप इसे लेकर आ जाएं। अब हमने यहाँ पर एक कटोरी का इस्तेमाल करना है। ये कटोरी कांसे की बनी है। दोस्तों, अगर आपके पास कांसे की कटोरी नहीं है, तो कांसे की कोई भी बर्तन हो, छोटी सी बर्तन, चम्मच भी हो या ग्लास भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पादाभ्यंग करने के लिए कांसे में की बर्तन जो है वो ऑनलाइन भी मिलती है, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये कांसे की जो कटोरी है दोस्तों, इसमें कॉपर और टीन मिलाकर बनाई जाती है। कॉपर की मात्रा 78% यानी 78% होती है और टीन यानी 22% यानी 22% इसमें टीन होता है। इन दोनों ही सामग्री को मिलाकर ये बनती है, जिससे हमारे शरीर में, हमारे पैर के तलवे में पादाभ्यंग की जाती है। अगर आपके पास समय नहीं है, तो भी आप समय निकाल कर इसे रोज ही करें, बहुत ही आवश्यक है, कुछ ही मिनटों में ये हो जाती है। पहले पूरे तलवे में हमें तेल लगा लेना है, तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, पूरे तलवे में लगा लिया है। उसके बाद कटोरी की मदद से, जो हमारी कांसे की कटोरी है, इससे हम मसाज करेंगे। अगर आपको सियाटिका का दर्द है, तो आप एरी में मालिश करें। वैसे तो पूरे तलवे में मालिश करनी है, लेकिन सियाटिका के दर्द है तो ज़्यादा आप एरी में मालिश करें। इससे आपकी सियाटिका के नर्व में जो समस्या है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगर आपके पेट में कब्ज रहता है, खाना ठीक ढंग से नहीं पचता है, विष की समस्या है, एसिडिटी, कब्ज, खट्टी डकार आती है, तो आप पैर के तलवे के बीच में ज़्यादा मालिश करें। अगर आपको हार्ट से जुड़ी समस्या है, सांस फूलती हैं, या सीने में हमेशा दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप उंगली के नीचे यानी सबसे ऊपर वाले भाग में तलवे के मालिश ज़्यादा देर तक करें। पूरे तलवे में अच्छी तरह से कम 15 मिनट के लिए मालिश एक पैर में करनी है। वापस से फिर दूसरे पैर में भी 15 मिनट के लिए मालिश करनी आवश्यक है। ऐसा आपको कब करना है, तो मालिश आपको रात को सोने से पहले ही करना है। अगर आप बोलेंगे कि रात में वक्त नहीं होता है, सोने का वक्त ही नहीं होता, तो मालिश कब करें, तो आप दिन में भी इसे कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले। लेकिन ज़्यादा फायदे के लिए रात में सोने से पहले ही आप मालिश करें। इससे आपके शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी शरीर में जितने विष हैं, वो निकल जाएंगे। दोस्तों, 15 मिनट के बाद आप एक कपड़े की मदद से, साफ कपड़े से पैर को पोंछ लें। काले काले रंग का इसमें से गंदगी निकलेगा। अगर आपके शरीर में ज़्यादा गंदगी होगी, तो ज़्यादा काले रंग का गंदगी निकलेगा, कम गंदगी होगी तो कम निकलेगा। इस तरह से रोज ही आप इसका पादाभ्यंग का अभ्यास करें, आपको साइटिका का दर्द, जोरों का दर्द या शरीर के बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, नींद अच्छी आएगी, आयु लंबी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, शुक्रिया।